बीजेपी विरोध में कांग्रेस अभियोग बैंक अकाउंट अचल नहीं बर्षिले राहुल देशर सर्वपुरातन राजनैतिक दल कांग्रेस पाखरे टंका नहीं निर्वाचन लड़ाकु दलर बैंक अकाउंट अचल होगापर केन्द्र मोदी सरकार विरोध में अभियोग कांग्रेस सांबादिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बर्षि राहुल सोनिया और खड़गे तेज आयकर विभाग को मध्यम कर विरोध में षड्यंत्र कांग्रेस अभियोग कर सूचना अनुसार कांग्रेस विरोध में आयकर विभाग कार्यानुषान 13 फेब्रुआरी 105 कोटी बकेया टैक्स ने आयकर विभाग कांग्रेस को नोटिस 16 फेब्रुआरी आयकर विभाग बैंक अकाउंट अचल करथिबा कांग्रेस अभियोग 21 फेब्रुआरी कांग्रेस अकाउंट रु 65 कोटी टंका बाहर करा जाइथिबा अभियोग 11 मार्च बैंक अकाउंट अचल नै हाईकोर्ट को द्वारस्थ हेला कांग्रेस 13 मार्च कांग्रेस आवेदन खारज कले हाईकोर्ट 19 मार्च आयकर विभाग कार्यानुषान विरोध में 19 मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्ण आवेदन 20 मार्च शुणाणी कर राय संरक्षित रखिले हाईकोर्ट वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो वो इसके बारे में कुछ करें और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है और जिस प्रकार भारत सरकार कार्रवाई कर रही है प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है और हमारी पार्टी के साथ जिस तरह का बर्ताव केंद्र सरकार का हो रहा है वो अब तक जाहिर हो चुका है कांग्रेस पार्टी के खातों को सील कर देना भारी मात्रा में पैसों को जब्त कर लेना 32 साल पुराने आयकर प्रकरण का कोई केस थमा देना बहानेबाजी कर कर आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना मैं समझता हूँ ये शुद्ध रूप से आचार संहिता का नैतिकता का संविधान का उल्लंघन है और मैं आग्रह करूँगा निर्वाचन आयोग से कि इस प्रकार की सरकार की जो कार्रवाई है उस पर अंकुश लगाए क्योंकि देश में सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का चुनाव होता है चुनाव के समय कांग्रेस के AICC के खातों को NSUI के यूथ कांग्रेस के खातों को सील कर देना और प्रतिशोध की भावना से काम करना लोकतंत्र को कमजोर करने के बराबर है कांग्रेस अभियोग बीजेपी जवाब राहुल कांग्रेस परिस्थिति सांबादिक सम्मेलन ने कांग्रेस अभियोग पर जवाब रखी भारतीय जनता पार्टी सांबादिक सम्मेलन जरिया राहुल को टारगेट करिछति बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से कहते अल्प ज्ञान समस्या सृष्टि करिथाय आयकर विभाग जो कार्यानुषान करिछि ताहा रिटर्न फाइल करा जाय नथिबारु करा जायछि राजनैतिक दलगुड़ी कौनसी टैक्स देवाक पड़ी नथाय केवल समय अनुसार रिटर्न फाइल करिबाक पड़िथाय राहुल गांधी केवल मिछ कहुथिबा अभियोग करिछन्ति रविशंकर राहुल गांधी जिते अधिक कहिबे कांग्रेस पार्टी सेतिकी अधिक निज ओजन हराइबो बोली रविशंकर कहिछन्ति राहुल गांधी सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है ये तो कमाल है भाई मुझे अपने JP मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई इंदिरा इज इंडिया इंडिया इज इंदिरा याद है ना इमरजेंसी का दिन JP की अगुवाई कांग्रेस पार्टी की हार आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें यह देश आपकी पार्टी से बड़ा है यह देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है गाली दी है और सब देश ने देखा है TV पे चला है ना तो आप झूठ बोल सकते हैं गाली दे सकते हैं देश सुन रहा है आपको यह तक अधिकार है और करें देश का लोकतंत्र नहीं है यह कौन सा तर्क है
ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, लेकिन कोई नई बात नहीं। वो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? कांग्रेस अभियोग रे पालटा जवाब रखी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहिछंती, जे दल वर्ष वर्ष धरी देशर सबु क्षेत्र सबु राज्यरु लूट करछि, तापई आर्थिक अक्षमता विषय रे आलोचना करबा एक हास्यास्पद स्थिति। एपटे कांग्रेस आयकर विभाग रो कार्यानुषण विरोध रे सुप्रीम कोर्ट रे हाजर होईछि। तांको दल सह अन्याय होउथुबा अभियोग करिछंती राहुल गांधी, सोनिया गांधी ओ मल्लिकार्जुन खड़गे। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।